हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग जीके टेक्निकल पॉइंट। इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के डिवाइस स्विच के बारे में बात जानेंगे। स्विच बेसिकली होता क्या है? स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्विच के साथ हम नेटवर्किंग डिवाइस, प्रिंटर, राउटर और कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, इसे इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। स्विच को छोटे और बड़े दोनों नेटवर्क में यूज किया जा सकता है। स्विच में जब किसी डिवाइस से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो स्विच उसे ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, हब की तरह उसे अपनी मैक एड्रेस टेबल में चेक करता है उसका एड्रेस, देन उसे सेंड करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है स्विच, कैसे देखते हैं इसे। जब स्टार्टिंग में स्विच को सेटअप करते हैं तो स्विच को किसी भी होस्ट के एड्रेस की जानकारी नहीं होती। जब कोई होस्ट फर्स्ट टाइम डेटा सेंड करता है तो उसका मैक एड्रेस स्विच की मैक एड्रेस टेबल में सेव हो जाता है, लेकिन डेस्टिनेशन पॉइंट की कोई जानकारी नहीं होती है। तब स्विच उस फ्रेम को सभी होस्ट को सेंड कर देता है। उसके बाद सभी पोर्ट का मैक एड्रेस उसके मैक टेबल में सेव हो जाता है। तब वह नेक्स्ट टाइम पैकेट को यूनिकास्ट करता है, यानी स्विच को फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, उसके बाद यूनिकास्ट करता है। स्विच भी अब की तरह एक डिवाइस है। ये नेटवर्क को मैनेज करने की क्षमता रखता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, जेनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है। अब बात करते हैं स्विच के कुछ फीचर्स के बारे में। इट इज़ ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस, यानी कि ये OSI मॉडल की लेयर 2 पर वर्क करता है। इट इज़ ए इंटेलिजेंट डिवाइस, ये हब की तुलना में एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, उससे अच्छा वर्क करता है। इट वर्क्स विद मैक एड्रेस, मेंटेन ए मैक एड्रेस टेबल आल्सो, यानी ये मैक एड्रेस के बेस पर काम करता है, मैक को लर्न करता है एंड उसे अपने मैक टेबल में सेव करता है। इससे क्या होता है, जिस भी एड्रेस पर इसको भेजना होता है उसको ये यूनिकास्ट करके भेज देता है। इट वर्क्स फिक्स बैंडविड्थ, इसमें बैंडविड्थ जो होती है फिक्स होती है, शेयर नहीं करता है ये बैंडविड्थ को। इट हैज़ ए वन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स। इसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और कोलिजन डोमेन डिपेंड करता है जो भी इसके साथ नंबर ऑफ पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। टाइप्स ऑफ स्विच, स्विच दो प्रकार के होते हैं, अनमैनेज स्विच एंड मैनेज स्विच। अनमैनेज स्विच में पहले से कॉन्फिगर फिक्स रहती है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। सेकंड, इसमें IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन, इस प्रकार के स्विच का यूज स्मॉल लैन नेटवर्क में किया जाता है, जैसे PC नेटवर्क, प्रिंटर, ETC। यह एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। मैनेज स्विच, ऑन ए मैनेज स्विच वी कैन असाइन एन IP एड्रेस एंड कॉन्फ़िगर देम। मैनेज स्विच में हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं और उस स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट हैज़ कंसोल पोर्ट, इसमें कंसोल पोर्ट होते हैं। वी कैन यूज़ इट इन ए बिग नेटवर्क, और इस तरह के स्विचेस का हम एक बड़े नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। इट कैन कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेटर, इसको एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है सिक्योरिटी के पर्पस से। वी कैन क्रिएट डिफरेंट VLAN इन वन नेटवर्क, और हम एक ही LAN के अंदर डिफरेंट VLAN क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के स्विच की हेल्प से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, स्विच में कितने टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। नंबर वन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट्स, यानी कि कंसोल पोर्ट। स्विच को मैनेज करने के लिए जो पोर्ट यूज़ करते हैं उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट्स कहते हैं, इसे कंसोल पोर्ट भी कहते हैं। नंबर टू, लैन पोर्ट, इसमें 10 Mbps, 100 Mbps और गीगाबिट पोर्ट्स होते हैं। आजकल गीगाबिट के पोर्ट्स काफ़ी यूज़ में हैं।
3 अपलिंक पोर्ट। इस पोर्ट का यूज़ एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्विच में अपलिंक पोर्ट नहीं है तो आप किसी भी पोर्ट से स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। 4 यूएसबी पोर्ट। इसमें डेटा रिस्टोर कर सकते हैं, डेटा मैनेज कर सकते हैं, इससे आप स्विच को एक्सेस भी कर सकते हैं। 5 स्टैक पोर्ट। स्टैकिंग, ऐसे स्विच, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 200 यूजर्स हैं तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 ऐसे स्विच लगाएंगे जिनमें 48 पोर्ट्स हों और उन सभी स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये सभी स्विच एक ही स्विच की तरह काम करेंगे, एक ही डिवाइस के द्वारा हम सभी स्विच को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विच के एडवांटेज के बारे में कि व्हाई वी यूज स्विच। स्विच मल्टीपल पोर्ट डिवाइस, ये एक मल्टीपल पोर्ट डिवाइस है। इसके अंदर 4, 8, 16, 32 एंड 48 पोर्ट्स होते हैं। 2 वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड, ये आपकी तरह हाफ डुप्लेक्स डिवाइस नहीं है, यानी कि इसमें एक समय में एक डिवाइस डेटा सेंड भी कर सकता है और डेटा रिसीव भी कर सकता है। ईच पोर्ट्स इज कॉलिजन डोमेन, इसके प्रत्येक पोर्ट्स पर एक अलग कॉलिजन डोमेन होता है। पोर्ट कैन बी इनेबल और डिसेबल, स्विच में हम किसी भी पोर्ट को इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग इज फास्ट, इसकी डाटा प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट है। ऑपरेट्स इन Layer 2 एंड Layer 3, यानी कि ये Layer 2 और Layer 3 दोनों पे वर्क करता है। मोस्टली स्विचेस Layer 2 पर वर्क करते हैं, लेकिन मल्टी लेयर स्विच Layer 3 पर भी वर्क करता है, यानी इसमें राउटिंग का फंक्शन भी इनेबल होता है। अगर एक छोटे से नेटवर्क में आप Layer 3 स्विच का यूज़ करके राउटिंग और स्विचिंग दोनों फंक्शन एक ही डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नो डाटा फ्लडिंग एवरी टाइम, यानी स्विच जब भी पहली बार डेटा रिसीव करता है सोर्स का मैक एड्रेस अपने मैक एड्रेस टेबल में ऐड कर लेता है, लेकिन जब पहली बार डेटा सेंड करता है तो ये डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को अपने मैक टेबल में चेक करता है। अगर डेस्टिनेशन को मैक एड्रेस टेबल में नहीं है तो स्विच उस पैकेट को सभी पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देगा। इससे कनेक्ट सभी डिवाइस का मैक एड्रेस उसकी टेबल में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी पैकेट सेंड करना होगा तो उसे सेपरेट डिवाइस को पैकेट सेंड करेगा। इंटेलिजेंट एंड कैन प्रोवाइड लूप प्रिवेंशन एंड रिड्यूस देम बाय यूजिंग प्रोटोकॉल्स, यानी यह एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। जब किसी भी नेटवर्क में लूप क्रिएट होता है तो उसे ऑटोमेटिकली ये स्टॉप कर सकता है। जब किसी भी नेटवर्क में एक रूट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये आपको सेकेंडरी रूट प्रोवाइड कर सकता है। ये सभी स्विच के बेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की नेक्स्ट वीडियोस में हम नेटवर्क के और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।